काम कोई नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो आज इधर कैसे आया आप? आपको बिजली डिपार्टमेंट के पास जाना था? उधर भी गया था, बिजली डिपार्टमेंट में गया था, वो बोल रहे हैं 1,00,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दो। तो मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, 1,00,000 रुपया या 50,000 रुपया? तो टोटल बिल कितनी आई है आपको? बिल 5-6 लाख रुपया बना दिया इन्होंने। आपने आज तक भरी नहीं कभी? मैंने भरी नहीं बिल, मेरे पास आया है कोई नहीं बिल। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिल आ रहा है मेरे पास। मतलब कभी भरी नहीं आपने बिल? ना मैंने बिल नहीं भरा जी, ना मेरे को किसी ने बोला बिल भरने के लिए, ना मैंने भरा। तो आप दुकान पे अपना काम करते रहे लेकिन बिल कभी नहीं भरा? ना कभी नहीं भरा, झूठ नहीं बोलना। कोई अधिकारी आपके पास आया कभी कि बिल? आते थे, रीडिंग करके चले जाते थे। बिल किसी ने नहीं लाया? बिल नहीं दिया मेरे को किसी ने। कब से शुरू हो गया ये बिल आना? ये जब से शुरू हुआ, जब से स्मार्ट मीटर लगे ना, अच्छा, तब से बिल ये 5 लाख रुपए का शुरू हो गया मेरे पास। तो अब कैसे गुजारा होता? मैं फिर उधर गया डिपार्टमेंट के पास, गया कि भाई जी मेरी बत्ती बंद कर दी है आप लोगों ने, तो मेरी बत्ती छोड़ो तो मैं पैसे भरता हूँ थोड़े बहुत। मैं काम करोगे तो उसके बाद ही बत्ती, मतलब उसके बाद ही आप बिल भर पाओगे? भर पाऊंगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये भर, जहाँ 1,00,000 रुपये भर, ये 5 लाख रुपये का बिल है, तो 50,000 रुपये भर है, बत्ती आ जाती है अभी। मैं कहा 50,000 रुपये मेरे पास नहीं है भाई, 50,000 रुपये का मेरा कमरा नहीं है, मेरी दुकान नहीं है, मैं खुद 50,000 रुपये की मेरी हड्डियाँ नहीं है, मेरा शरीर नहीं है 50,000 रुपये का, तो मैं 50,000 रुपये लाऊंगा कहाँ से? तो अब मतलब आप ये बिल भरना चाहते हो? मैं भरना चाहता हूँ, काम चलेगा मेरा तो मैं भरूंगा बिल, नहीं तो मैं वहाँ बिल पड़ा रहेगा जैसे अभी पड़ा है। तो सरकार कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, तो क्या कहेंगे आज इधर से, क्या अपील करेंगे सरकार? इधर से यही अपील करने आया कि मैं 6 महीने हो गया आपको ढूंढते हुए मीडिया वालों को, आज 6 महीने के बाद इधर कटारे में खड़ा हूँ, सब मीडिया वाले मेरे पास आ, मिल गया मेरे को, मैं बड़ी खुशी हुई है आपसे मिल के। बत्ती तो आपने जलाई है, बिजली आपने जलाई है, पैसा तो भरना पड़ेगा, भरना पड़ना, लेकिन मेरा काम 3 साल का रुका हुआ, 4th, 4th साल चढ़ गया है, अब क्या करूँगा मैं, कैसे भरूँगा पैसा? अगर काम नहीं करते हैं आप तो घर का गुजारा कैसे होता है, खाने पीने? घर वाली करती है जी, फुलका चलाती है वो मेरा, कभी 2 फुलके खा लेते हो तो कभी 1 खा लेता हूँ, कभी 2 खा लेता हूँ, कभी कभी 3 भी खा लेता हूँ। तो अब आज क्या सरकार से अपील करें? आज सरकार से यही अपील करूँगा मेरी दुकान की बत्ती आ जाए, काम करूँगा मैं खुद, फिर रोटी का मजा आएगा, खाने का तो, कमाने का भी मजा आएगा, और बिल भरने का भी मजा आएगा। अगर मेरा काम नहीं चला तो बिल कहाँ से भरूँगा, मजा कहाँ से आएगा मुझे? कमाई नहीं मेरी होगी, मर्द की कमाई कितनी होती है, जनानी बेचारी वो बर्तन साफ करती है, उसकी कमाई का क्या करूँगा, जहाँ घर का काम चलाऊँगा, घर के ही बर्तन साफ करते मेरे घर वाले को, चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, जहाँ को महबूबा मुफ्ती तो नहीं है वो, कि उसके पास गाड़ियाँ हैं, जहाँ हम बर्तन साफ करने वाले छोटी कास्ट के बंदे हैं, छोटा काम करने वाले हैं, बड़ा काम हमारे पास नहीं होता, ना चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो हमारे पास यही है अपना दाल फुल्का कमाना है, शाम को खानी है, कमानी है, तो सो जाना, तो खाना, तो सुबह उठना, तो चले जाना दिहाड़ी लगा। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बोला, आज क्या अपील करेंगे इधर से? मुझे नहीं मिली बिजली, आने वाले टाइम में वो बोल, आने वाला टाइम पता नहीं कब आएगा, वो टाइम मेरे मरने के बाद आएगा तो पता नहीं, आने वाला टाइम वो किसने देखा, वो मर गया रहना, उसने देखा आने वाला टाइम? खाली कुर्सी पे बैठा ना वो बेचारा, सांस तोड़ गया, उसकी जगह कोई सही, मेरे मरने के बाद बत्ती आएगी तो इसका क्या फ़ायदा मुझे, उस बत्ती का, उस मिनिस्टर का क्या फ़ायदा, फायदा मुझे आज के मिनिस्टर का फ़ायदा है, जो बत्ती आज आने चाहिए और तभी मैं मिनिस्टर मानूंगा, नहीं तो मेरे बाप के जान के बाढ़ में मिनिस्टर।